हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल साहू सब सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा एंगुलर 14 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। और पैरामीटराइज राउट के बारे में अगर आप YouTube की बात करते हैं तो बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, बट अच्छे से उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है। इसलिए बहुत सारे जो यूजर्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, डिजाइनर्स होते हैं, उनको ये कंफ्यूजन होती है कि पैरामीटराइज राउट क्या होता है, राइट, और इसको कैसे यूज करते हैं, कितने वे होते हैं यूज करने के लिए। कहीं कहीं वो देख लेते हैं कि स्नैपसेट यूज किया हुआ है, कहीं कहीं वो देख लेते हैं कि ऑब्जर्वेबल यूज हुआ है। तो बहुत सारे कंफ्यूजन पैदा होता है कि पैरामीटराइज आउट होता क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं, कौन कौन सा तरीका है। कहीं कहीं स्नैपशॉट मिल जाता है, कहीं परम मैप मिल जाता है, कहीं परम मिल जाता है, तो राइट, इस सारे कंफ्यूजन को मैं इस वीडियो में आपका दूर कर दूंगा और एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं कोडिंग करके प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कहाँ पर क्या यूज करने से क्या फायदा है और क्या डिसएडवांटेज है, राइट। तो इन सारी चीजों को इसमें हम क्लियर करेंगे। एक तो ये कि पैरामीटराइज आउट होता क्या है, कितने तरीके से यूज करते हैं, परम क्या होता है, परम मैप क्या होता है, हम पैरामीटराइज आउट कितने तरीके से यूज कर सकते हैं, कितने पैरामीटर भेज सकते हैं, इन सारे चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो दोस्तों आप इसको केयरफुली इस वीडियो के एंड तक देखें, तब आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो का एक एक मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, राइट, क्योंकि ये बहुत सारे प्रोजेक्ट में यूज होते हैं और इंटरव्यू में भी बहुत क्वेश्चन रेज होते हैं पैरामीटराइज राउट से, राइट। इसको हम कन्फिगर करके देखेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल का स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकॉन को क्लिक कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब ऐप और ईमेल में मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्तों पहली बात तो ये होता है कि ये राउटर कैन रिसीव द पैरामीटर्स आइदर यूजिंग ए स्नैपशॉट प्रॉपर्टी ऑफ द एक्टिवेटेड राउट और बाय सब्सक्राइबिंग टू इट्स प्रॉपर्टी परम। तो दोस्तों इससे साफ क्लियर होता है कि जो राउट होता है, पैरामीटर रिसीव करता है, या तो स्नैपशॉट प्रॉपर्टी यूज कर लेता है या फिर सब्सक्राइब करके ऑब्जर्वेबल के थ्रू यूज करता है, राइट। तो यहाँ पर देखने वाली बात दोस्तों ये है कि इससे तो ये क्लियर होता है कि अब जो राउट होता है दो तरीके से पैरामीटर रिसीव कर सकता है, राइट, मींस कि हम दो वे होता है जिससे हम पैरामीटर राउट कॉन्फिगर कर सकते हैं राउट, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि सब्सक्राइबिंग इट्स प्रॉपर्टी परम, तो परम क्या है दोस्तों, एक प्रॉपर्टी है जो कि पहले एंगुलर 4 से पहले यूज होता था, बट उसमें क्या होता था कि सिंगल पैरामीटर जाता था, बट एंगुलर 4 प्लस के बाद परम मैप आ गया, लाइक तो ये क्या करता है कि अलाउ यू टू आइटर गेट ए पर्टिकुलर पैरामीटर बाय यूजिंग अ गेट मेथड और गेट ऑल पैरामीटर बाय इनवोकिंग गेट ऑल मेथड, राइट। मींस कि हम मल्टीपल पैरामीटर पास कर सकते हैं, दो मेथड देता है, एक तो गेट देता है, दूसरा गेट ऑल देता है, राइट, एक सिंगल के लिए और सारे पैरामीटर को गेट करने के लिए, राइट। इसमें हम एरे भी पास करते हैं तो कर सकते हैं दोस्तों, राइट। तो ये होता है दोस्तों कि द एंगुलर राउट प्रोवाइड टू डिफरेंट मेथड टू गेट राउट पैरामीटर्स यूजिंग द राउट स्नैपशॉट, और अगला होता है यूजिंग राउटर ऑब्जर्वेबल्स, मींस कि ऑब्जर्वेबल यूज करेंगे वहां पर तो हम उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। तो यही दोस्तों आपको कंफ्यूजन में डालता है। आप कहीं कहीं कोड देखते होंगे, वीडियो बहुत सारे आते हैं यूट्यूब पर, उसमें आपने देखा होगा किसी ने स्नैपशॉट यूज कर रखा है, एक्टिवेटेड राउट आपने देखा होगा, कहीं आपने देखा होगा सब्सक्राइब किया हुआ है, बट किसी ने डिफरेंस नहीं बता रखा है कि इसमें डिफरेंस क्या है, कि हम इसको यूज करें इसको ना करें, राइट। ये सारे कंफ्यूजन मैं आपको दूर करूंगा आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों पहले बात करते हैं स्नैपशॉट पे का, राइट। स्नैपशॉट का मतलब ये दोस्तों होता है कि किसी का इमेज ले लेते हैं, मीन्स कि उसका कोई कॉपी बना लेते हैं, राइट। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो राउटर होता है क्या करता है कि द राउटर प्रोवाइड अस विद द स्नैपशॉट ऑफ द करंट राउट, मींस कि जो करंट राउट होता है उसका स्नैपशॉट ले लेता है, राइट। दोस्तों की मींस कि जैसे ही हमारा कंपोनेंट लोड होता है उसी टाइम हमारे राउटर का जो स्नैपशॉट लोड हो जाता है, मींस कि जैसे ही दोस्तों एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पर जाते हैं तो उस टाइम हमारा राउटर का एक स्नैपशॉट बन जाता है, मीन्स कि एक इमेज बन जाता है, वही लोड हो जाता है, राइट। मान लो दोस्तों कि हम
एबीसी कंपोनेंट से एक्स वाई जेड पर कंपोनेंट पर गए और एक पैरामीटर भेज दिया हमने वन, राइट। और वन पर हमारा डाटा कोई नहीं है, मानो दोस्तों कि हमारे इस वन से रिलेटेड डेटा दिखाना है हमें एक्स वाई जेड पर, एक्स वाई जेड कंपोनेंट पर, हमने वन पास कर दिया, राइट। जैसे ही हम एक्स वाई जेड कंपोनेंट पर पहुंचे, हम वहां पर देख रहे हैं कोई डेटा नहीं आ रहा है, राइट। तो मींस कि जब इतनी उसको कितना भी हम रिफ्रेश करेंगे, हम कॉन्फ़िगरेशन में जाकर चेंज करके भी पैरामीटर राउट कर पैरामीटर, तो हमारा डेटा लोड नहीं करेगा, जैसे क्योंकि वो इमेज लोड कर चुका है। तो जितना भी रिफ्रेश करेंगे तो हमारा राउटर का इमेज बन चुका है, हर बार ही वो आपको वन ही पास करेगा क्योंकि उसका इमेज बनकर लोड हो चुका है, राइट। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि हमारा रिलेवेंट जो डेटा होता है वो हम गेट नहीं कर पाते हैं। अगर बात करें पैरामीटर की, तो जैसे आपने पहले एप्लीकेशन में यूज कर रखा होगा, जैसे एसपी डॉट नेट में, किसी में भी क्वेरी स्ट्रिंग आपने यूज कर रखा होगा, तो जैसे ही किसी पेज के साथ हम क्वेरी स्ट्रिंग भेजते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, दूसरे पेज पर हम गेट करके उस रिलेटेड डेटा को हम गेट कर लेते हैं। उसी तरीके से इसमें भी हम क्या करते हैं, राउटिंग में कंपोनेंट के साथ एक पैरामीटर भेज देते हैं, राइट। वही होता है पैरामीटराइज राउट। तो वहां पर जो दूसरे वाले जिस कंपोनेंट पर हम गए, वहां पर वो पैरामीटर हमने गेट किया, उससे रिलेटेड डेटा हम गेट करते हैं। तो बट स्नैपशॉट में क्या होता है कि जैसे ही वो कंपोनेंट लोड हुआ ना, तो हमारे राउटर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उसका एक इमेज बन जाता है, राइट। उसको हम चेंज नहीं कर सकते, एक बार जो बन गया उसी को आप पेज को कितना बार भी रिफ्रेश करेंगे वो डेटा शो नहीं करेगा, अगर पहली बार डेटा नहीं आया तो, राइट। ये ड्रॉबैक है हमारे राउटिंग का, राउट पैरामीटराइज राउट का, राइट। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए सीन में आया ऑब्जर्वेबल। ये क्या करता है दोस्तों कि जैसे ही कुछ चेंज आता है, उसको नोटिफिकेशन मिलता है और उसको क्या करता है, उस रिस्पॉन्स को पास कर देता है सब्सक्राइबर मेथड को, और वो रिलेवेंट डेटा दिखा देता है। अगर पहली बार लोड हुआ उसमें डेटा नहीं आता, हम अगर पैरामीटराइज राउट में जाकर कुछ चेंज करते हैं तो उसको ऑब्जर्वेबल को पता चलता है कि इसमें कुछ नोटिफिकेशन मिलता है कि उसमें चेंज हुआ है। तो अगली बार जैसे ही हम डेटा लाने के पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो अगली बार उसको चेंज किया हुआ पैरामीटराइज राउट उसको मिलता है और डेटा को शो कर देता है। तो ये मेजर डिफरेंस होता है दोस्तों स्नैपशॉट और ऑब्जर्वेबल वे में, राइट। आई थिंक आपका इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसको हम अभी आगे चल के प्रोजेक्ट में स्टेप बाई स्टेप करके देखते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ, राइट। और दोस्तों एक और होता है क्वेरी परम करके, उसको भी मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि उसको अगर इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा खिंचाएगा, राइट। तो चलिए हम दो तरीका को देखते हैं, स्नैपशॉट वे को और एक ऑब्जर्वेबल जिसे हम स्ट्रीम वे भी बोलते हैं। तो इसको हम चल के देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कन्फिगर करके, कोडिंग करके प्रोजेक्ट में, राइट। तो दोस्तों ये है प्रोजेक्ट। दोस्तों इसमें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे कैसे इसको कॉन्फ़िगर करते हैं दोस्तों, राइट। तो इसमें सबसे पहला वर्क तो आपका ये होगा कि आप अब पहले होम कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, जिसका कमांड होता है ng g फॉर जनरेट, c फॉर कंपोनेंट, और होम नेम से क्रिएट कर लेंगे, राइट। इसके बाद दोस्तों हमने क्या किया है कि होम कंपोनेंट क्रिएट करके हमने व्यू डिटेल का भी कंपोनेंट क्रिएट कर रखा है, राइट। तो पहले अब देखते हैं कि होम कंपोनेंट पर हमने क्या कर रखा है, राइट। यहाँ पर दोस्तों हमने क्या किया है कि यहाँ पर बुक का डिटेल हमने बाइंड किया है, राइट। और इसका टीएस पे आप इसको देख सकते हैं, बुक डिटेल्स का हमने जैसे कि होम लगा रखा है, और बुक्स के अंदर जो भी डेटा है वो बुक में आएगा, और बुक नेम और बुक डिटेल्स करेगा। और यहाँ पर एक हमने राउटर लिंक लगा रखा है दोस्तों, जिसमें हम लिखे हैं कि शो डिटेल, राइट। और इस पे हमने यहाँ पर व्यू डिटेल का पेज डाल रखा है, उसके साथ बुक का आईडी डाल रखा है, मीन्स कि यहीं पर हम पास कर रहे हैं आईडी इस कंपोनेंट के साथ, राइट। और इसका जो कोडिंग है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हमने बुक नाम से एक टाइप बना रखा है यहाँ पर, राइट। कि जो जो पैरामीटर होगा, जो जो हमारे कॉलम होंगे इस बुक में, वो सारे यहाँ पर है, आईडी, नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, राइट। और उसके लिए हमने क्या किया दोस्तों कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बुक का टाइप ले रखा है, कंस्ट्रक्टर में हमने बुक सर्विस को इंजेक्ट कर रखा है। आप बुक सर्विस में देख सकते हैं कि बुक सर्विस में हमने क्या किया है कि एक डेटा बना रखा है, इतने सारे चार डेटा, राइट। और इसको हम बाइंड करेंगे पैरामीटराइज, एक एक पैरामीटर पास करके, 1 2 3 4 पास करेंगे, दूसरे पेज पर ले जाएंगे, होम पर ये डेटा दिखाएंगे दोस्तों, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक पैरामीटर पास करके
व्यू डिटेल्स वाले पेज पर एक इसका डेटा दिखा देंगे, दूसरी बार में हम दो पास करेंगे तो दूसरा दिखा देंगे, मीन्स कि हम पैरामीटर पास कर करके दूसरे कंपोनेंट पर जाएंगे और एक एक बुक का डिटेल वहां पर शो करेंगे, राइट। तो इसमें हम दोस्तों कि एक तो पहले हमने डेटा बना रखा है इस सर्विस में, दूसरा हमने बुक को गेट करने के लिए एक फंक्शन बना रखा है जो कि हमारा ऑब्जर्वेबल टाइप का, जहां पर सब्सक्राइब करेंगे सारा बुक का डेटा हमें रिटर्न कर देगा। और एक है दोस्तों हमने बुक का गेट बुक, एक पर्टिकुलर बुक को डिटेल्स को गेट करने के लिए हमने फंक्शन रखा है, इसमें आईडी पास कर रखा है, जो आईडी हम पास करेंगे उसका डेटा हमें रिटर्न कर देगा, राइट। तो आते हैं दोस्तों मेन टॉपिक पर, मीन्स कि यहाँ पर होम डॉट कॉम्पोनेंट डॉट टी एस फाइल पर हमने क्या किया है, गेट बुक को कॉल कर रखा है, राइट। इसमें क्या कर रहा है दोस्तों कि दिस डॉट बुक सर्विस गेट बुक सब्सक्राइब कर लिया हमने, और इसका क्या है दोस्तों कि यहाँ पर बाइंड कर देंगे हम, राइट। मीन्स कि दोस्तों आप समझ रहे हैं कि इस बुक्स में चला गया है, जो बुक के हमने एरे टाइप का वेरिएबल रखा है, सारा डेटा हमारा बुक के अंदर आ गया जैसे हम इसको कॉल किए, और इसके एचटीएमएल पर जो होम डॉट एचटीएमएल पेज है इस पर जाकर यहाँ बाइंड हो जाएगा, राइट। बुक्स के अंदर जाएगा, इसमें हमने एनजी फोर लगाया बुक में डालकर, इसमें आईडी और नेम पास कर दिया, उसके साथ ही एक हमने लिंक बाइंड किया दोस्तों जो कि राउटर लिंक है, राइट। उसमें हमने इस पेज का URL डाल दिया, कौन सा पेज, जो व्यू डिटेल्स पेज है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो व्यू डिटेल्स पेज बना हुआ है इसका हमने लिंक पास कर दिया यहाँ पर, राइट, इस HTML पर। और उसके साथ हम एक आईडी पास कर रहे हैं, जो आईडी पास करेंगे वो एज ए पैरामीटर वहां जाएगा, राइट। तो अगला बात होता है दोस्तों कि जैसे ही ये पेज हमारा पहुंचेगा व्यू डिटेल पेज पर, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम एक एक डिटेल्स को बाइंड कर रहे हैं, राइट। आईडी डॉट आईडी में बुक डॉट आईडी, नेम में बुक डॉट नेम, ये हम बाइंड कर रहे हैं यहाँ पर व्यू डिटेल क्लास से लेकर, राइट। ये यूएल व्यू डिटेल क्लास लगा रखा है ताकि शो करेगा ये क्लास है, राइट। उसके बाद हम यहाँ पर एक बटन लगा रखा है बैक करने का, गो बैक, मीन्स कि जैसे ही गो बैक का एक मेथड कॉल होगा इसमें दिखा रहे हैं, तो उसमें हमने क्या किया है कि पीछे वाले पेज पर ले जा रहे हैं होम डॉट होम वाले पेज पर, राइट। तो इसका हम कोडिंग यहाँ पर देख लेते हैं, इस पे हमने क्या किया है दोस्तों कि एक हमने फिर यहाँ पर बुक टाइप बनाया, न्यू बुक बनाया, राइट। यहाँ पर हम राउटर को एक्टिवेट राउट, राइट, मीन्स कि दोस्तों हम स्नैपशॉट यूज करने के लिए एक्टिवेट राउट यूज करते हैं, इसको इंजेक्ट किया, उसके बाद बुक सर्विस को हमने इंजेक्ट किया और इसकी लोकेशन को इंजेक्ट कर लिया, राइट। ये लोकेशन गो बैक करने के लिए होता है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं गो बैक मेथड को यूज किया हमने, दिस डॉट लोकेशन डॉट बैक, वो बैक चला जाएगा जो जिस पेज से आया उसके उसी पेज पर चला जाएगा, राइट, जैसे इस बटन पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों हम इस ऑन यूनिट पर चार फंक्शन बना रखा है, पहले इसको हम कमेंट कर लेते हैं, राइट, एक एक करके दिखाएंगे, मीन्स कि एक तरीका ये, दो दो हम स्नैपशॉट से दिखाएंगे और दो ऑब्जर्वेबल्स दिखाएंगे इस पैरामीटर को पास करने का। तो पहले एक स्नैपशॉट का हम देखेंगे, राइट, ये दिस डॉट राउट डॉट स्नैपशॉट डॉट फॉरम डॉट आई डी, मीन्स कि ये इस पेज पर जैसे ही आएगा होम पेज पर, जैसे हमने बताया दोस्तों यहाँ पर होम पेज पर हमने लगा रखा है आईडी, यहाँ पर बुक बाइंड हो गया, यहाँ पर आईडी पास कर रहे हैं हम, राइट। ये कन्फिगर हो रहा है राउटिंग से, उसको भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो जैसे ही इस पेज पर आएगा दोस्तों तो उसको यहाँ पर आईडी मिल जाएगा, ये अलर्ट में मैंने दिखा रखा है। जैसे ही उस किसी भी लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप व्यू डिटेल वाले पेज पर आएंगे तो उसका आईडी आपको यहाँ गेट हो जाएगा, उस आईडी के बेस पर हमने डेटा बाइंड कर दिया इस पर, जो कि हमारे यहाँ पर इसके HTML पर बाइंड हो रहा है, राइट। तो दोस्तों कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं राउटिंग का, इसका यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राउट को हम इसी तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं, पाथ देते हैं, कंपोनेंट देते हैं। तो यहाँ पर जो तो हमने पाथ दे रखा है दोस्तों व्यू डिटेल का, यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वेरी स्ट्रिंग के तरीके से हम आईडी पास कर रहे हैं, राइट, और यही आईडी हमें वहां मिलेगा, राइट। यहाँ पर मीन्स की व्यू डिटेल और टीएस फाइल पर यहाँ आईडी गेट हो जाएगा और उसका डेटा हम यहाँ पर बाइंड कर लेंगे, राइट। तो दोस्तों समझने वाली बात है कि हमने क्या किया, यहाँ पर होम डॉट एच टी एम एल पर हमने राउटर लिंक सेट कर लिया व्यू डिटेल और बुक डॉट आईडी, यहाँ पर एक हमने आईडी पास कर दिया। तो जैसे ही राउटर लोड होगा तो इस पेज को ढूंढेगा जिसके साथ एक आईडी जा रहा हो, तो उसको यहाँ पर मिल जाएगा ये, राइट, व्यू डिटेल और आईडी। तो इसके लिए कौन सा कंपोनेंट लोड होगा दोस्तों, ये व्यू डिटेल कंपोनेंट, ये हमारा लोड कर देगा। और इसका सिलेक्टर पाथ आपको पता ही है कि व्यू डिटेल ये अलग सिलेक्टर पाथ है, इसको लोड कर देगा, राइट।
दोस्तों जैसे ही इसको लोड करेगा तो डेटा शो कर देगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, पहले चेंज करके। हम पहले देखते हैं कि स्नैपशॉट के साथ परम आईडी भेजकर, राइट, चार तरीके से हम पैरामीटर गेट करेंगे। जैसे ही इसको रन करेंगे दोस्तों, एक्टिवेट करेंगे सर्वर को, तो हमें ब्राउजर में दिखेगा। तो इसको हम सेव करते हैं, ये हमारा लोड हो रहा है, एक्टिवेट हो गया डेटा। और जैसे ही ब्राउजर में जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर लोड हो रहा है पहले बार, तो हमारा ये सिंपल ये लोड होगा, सारा डेटा होम पर लोड हो गया, राइट। जैसे ही दोस्तों की मीन्स, अब जैसे मीन चारों डेटा बाइंड होके आ गया, उसके साथ सो डिटेल आ गया, राइट। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे, यहाँ पर आप देखिएगा इसका लिंक क्या बन रहा है, इसके साथ व्यू डिटेल और स्लैश करके वन आ रहा है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपकी इसके साथ दिखा दिया हमने कि वन डेटा आ रहा है, मीन्स कि इसका आईडी वन आ रहा है। वन आईडी पर जो डेटा है वो यहाँ बाइंड कर देगा, आप देख सकते हैं। मीन्स कि अब हम किस पेज पर आ गए, व्यू डिटेल वाले पर, उसके साथ वन आईडी आया है, मीन्स कि हम पैरामीटर इस राउट के साथ पास कर दिए हैं। जैसे हम क्वेरी स्ट्रिंग भेजते थे, वो बैग जाएंगे दूसरे वाले पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए टू पास हो रहा है, ओके करेंगे, देखिए यहाँ पर भी टू आ रहा है और टू का डेटा आ गया। तो ये हमारा एक तरीका हुआ स्नैपशॉट के साथ परम यूज करके प्रॉपर्टी, राइट। दूसरा तरीका होता है दोस्तों कि अगर हम इसको कमेंट कर देते हैं, राइट, और हम स्नैपशॉट के साथ परम मैप यूज करके देखेंगे, राइट। इसको भी हमने सेव किया और चलते हैं डेट पेज पर। तो इसको हमने रिफ्रेश नहीं किया, इसको हम पहले इसको हटा लेते हैं और यहाँ पर देखेंगे होम पर आ गया। फिर उसी तरीके से आपको डेटा मिलेगा, यहाँ पर देखिए वन आ रहा है, वन का डेटा आया। आप फोर पर क्लिक करें, फोर आया, फोर का डेटा आपको मिल गया। मीन्स कि ये भी वर्क अच्छे से कर रहा है, मीन्स कि हम परम मैप यूज कर सकते हैं। हमने केवल सिंगल पैरामीटर पास किया है दोस्तों, परम मैप से मल्टीपल पैरामीटर भी आप पास कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पर एक फंक्शन होता है गेट ऑल, ये फंक्शन आपको यूज करना होगा। ये जैसे ही पास करेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल पास करना होगा, राइट। उसके बाद दोस्तों इसको भी हम कमेंट कर लेते हैं, अब ऑब्जर्वेबल के साथ यूज करके देख लेते हैं हम। ये ऑब्जर्वेबल होता है, राइट, अनकमेंट कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि राउट और परम मैप, और यहां पर हमने परम यूज कर रखा है, ये भी दो तरीके का होता है। परम मैप यहां पर यूज कर सकते हैं और सब्सक्राइब मेथड यूज कर रखा है हमने परम के साथ, और यहाँ पर अलर्ट के साथ परम डॉट गेट, राइट। यहाँ पर भी परम मैप यूज किया था हमने, आप यहाँ पर गेट ऑल भी यूज कर सकते हैं इजिली, यहाँ पर देखिए गेट ऑल आ जाएगा, राइट, इसको यूज कर सकते हैं। हमने अभी एक ही पैरामीटर पास करना है तो हम इसको गेट यूज कर रखा है हमने। इसको भी अब रन कराएंगे, देखिए रन हो रहा है। इसके बाद जैसे ही पेज पर जाएंगे सेम डेटा दिखाएगा उसी तरीके से, आप देख सकते हैं, राइट। उसी तरीके से दोस्तों अगर मैं इसको कमेंट करके केवल परम यूज करूं तो इसमें भी हमारा सेम डेटा आएगा, राइट। आप यहां पर देख सकते हैं, इसको हमें रिफ्रेश करना होगा, यहाँ पर होम पर लेकर आएंगे, पहले आपको सारा डेटा दिखेगा। किसी पर भी क्लिक करेंगे आपका डेटा शो हो रहा है यहाँ पर। तीसरे नंबर पेज पर जाएंगे, तीसरे आईडी लेकर आएंगे उस पेज पर, व्यू डिटेल पर। तो दोस्तों ये वर्क होता है, मीन्स कि हमने क्या देखा दोस्तों कि चार तरीके से हमने देखा पैरामीटर को पास करने का और रिसीव करने का। अगर आप बिल्कुल ही कॉरपोरेट लेवल का नॉलेज रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप बहुत ही बड़े कॉरपोरेट में काम करें बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल की तरह, और अच्छे से इंटरव्यू क्रैक कर सकें, अपने सैलरी को हाइक दे सकें एक अच्छा सा, तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम आपको प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल ही कॉरपोरेट लेवल का ट्रेनिंग, जिसमें कि पूरा एंगुलर कवर करा जाता है, पूरा का पूरा टाइप स्क्रिप्ट, क्योंकि आपको टाइप स्क्रिप्ट में कोडिंग करना होता है, पूरा RxJS लाइब्रेरी हम कवर कराते हैं अपने ऑनलाइन क्लास में, जो कि बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं। आप कहीं क्लास करने जाते हैं तो वो पूरा आपको कवर कराया जाएगा, क्योंकि RxJS लाइब्रेरी जो है एंगुलर का हार्ट माना जाता है। ये सारी चीज़ें जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ आपको यूट्यूब पर आपको कॉर्पोरेट लेवल का नहीं मिलेगा, कोई नहीं डालता है, ये सारे पेड होते हैं और क्लास में बहुत ही कॉर्पोरेट लेवल का पढ़ाया जाता है। हमारा क्लास जो है इसी चीज़ के लिए फेमस है कि हम कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा हम आपको सिखाएंगे एंगुलर मटेरियल और बूटस्ट्रैप भी कैसे यूज करते हैं एंगुलर में, ये सब कुछ आपको सिखाया जाता है। API इंटीग्रेशन सिखाया जाता है, API बनाना सिखाया जाता है, मतलब कि बैकएंड वाला पार्ट भी हम सिखाते हैं अपने क्लासेज में। उसके बाद प्रोजेक्ट ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में आपको ई कॉमर्स का एप्लीकेशन डेवलप करना सिखाया जाएगा, जो कि
बहुत ही कॉर्पोरेट लेवल का होगा, बहुत ही ब्रॉड लेवल का होगा, जैसे कि आप फ्लिपकार्ट अमेजोन यूज करते हैं, उस लेवल का एप्लीकेशन डेवलप करना आपको सिखाया जाएगा। तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके अपने सैलरी को एक अच्छा सा हाइक दे सकते हैं, इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। देखिए, अगर आप कहीं से पढ़ते हैं, दो तरीके होती है कि अगर आप मान लीजिए कि आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं, तो इंस्टीट्यूट में आपको कौन पढ़ाता है? एक तरीके से वो टीचर होगा, फैकल्टी होगा। और सच्चाई ये है कि टीचर या फैकल्टी कौन बनता है? जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब नहीं ले पाता है, जो खुद ही जॉब नहीं ले पाया, तो आपको क्या ट्रेनिंग देगा? वो आपको केवल बुक वाला नॉलेज देकर आपको भेज देगा, लेकिन आप वही पढ़ के आप जब जाते हैं कंपनी में काम करने, तो आप वहाँ पर काम नहीं कर पाते हैं। फिर आपको भागकर अच्छे से स्टडी करना पड़ता है, या फिर तो आपको आप काम नहीं कर पाएंगे, बोरियत फील करेंगे, या फिर आपको निकाल दिया जाएगा। और हमारा क्लास किस लिए फेमस है? क्योंकि हमारे यहाँ कोई टीचर नहीं है, हमारा जो टीम है, जो हम लोग हैं, किसी न किसी बड़े एमएनसी में काम करते हैं, तो हम लोग वही चीज़ अपने ट्रेनिंग में प्रोवाइड करते हैं जो डायरेक्टली कॉर्पोरेट में किया जाता है, काम किया जाता है, रियल चीज़ें हम आपको बताते हैं। इसलिए हमारा क्लास फेमस है। जो हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ले लेता है, उसको कहीं भी इंटरव्यू क्रैक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि हम वही चीज़ बताते हैं जो डायरेक्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है। सामने वाले को लगता है कि आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, 1-2 साल से आपने काम किया है, उस लेवल का नॉलेज हम अपने क्लास में हम पढ़ाते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर क्लिक करके अभी विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट sahosoft.com पर, और अपना बैच चूज कीजिए, चेकआउट कीजिए और क्लास ज्वाइन कर लीजिए। कल से ही अपना क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं, तो हमारे ऑफिशियल मोबाइल नंबर्स भी अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या इस वीडियो के स्क्रीन पर भी आपको नीचे में दिख रहा होगा हमारा मोबाइल नंबर। आप तुरंत कॉल कीजिए, इंक्वायरी कीजिए और क्लास ज्वाइन कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, बने रहिए इस सीरीज के साथ। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।